सकीना के पास लेकर और कहा सकीना पानी पी। सैयदा सकीना ने वो प्याला हाथ में लिया ना तो खेमे के बाहर दौड़ लगा दी, कहां जा रही हूं? कहा अस्कर के पास जाती हूं। आप ही तो सिखाया करती हैं कि जब कोई कीमती सामान घर में आए और थोड़ा हो तो पहले छोटे बच्चों को दिया जाता। अस्कर मुझसे छोटे, मैं अस्कर को पानी पिला। सरकारी सैनबे पाक ने कहा बेटी सकीना अब असगर को इन पानियों की जरूरत नहीं है, उसे नाना जान का कौसर मिल गया है, तुम पी लो। हजरत सरकारे सकीना रुकी नहीं और जाती रही, पांव कहीं लड़ा और वो पानी करबला की रेत पर गिर गया। फिर सकीना को वो पानी मैसर नहीं हुआ। तो इसीलिए शायर ने कहा प्यासे ने खुश्क होंठ न रखे फरात पर, बड़े से बड़ा पहलवान, बड़े से बड़ा बादशाह, बड़े से बड़ा ताकतवर पानी के सामने हार जाता है और पानी पिए बगैर नहीं रहता, वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कंट्री का हो। मगर इस नील गगन के नीचे एक शहजादा ऐसा भी है जिसने पानी को हराया है। हाँ, प्यासे ने खुश्क होंठ न रखे फरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। प्यासे ने खुश्क होंठ न रखे फुरात पर, प्यासे ने खुश्क होंठ न रखे फुरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। नगर नगर में शह मशरिकैन जिंदाबाद, अली का लाल जहरा का चैन जिंदाबाद है। जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। और कोई यजीद को घर करबला में ले आए उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद, कोई यजीद को घर करबला में ले आए उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद। क्यों? इसलिए कि हंसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, ये बात जाके कोई उसे बता आए, घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। लेकिन वो नहीं आया क्योंकि अज़्म से, सब्र से, एहसास से डर लगता है, जा बजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता है। इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। क्योंकि मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा, उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। हाँ, देखकर नेजे पे सर शिमर से ज़ैनब ने कहा मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्या बात है सही है सर, क्या बात है। देख कर नेजे पे सर शिमर से ज़ैनब ने कहा मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। उसी के वास्ते जन्नत का दिल धड़कता है, जो करबला तुझे दिल में उतार लेते हैं। यजीदी फौज कहा शिमर कहा अब्बास, कहीं सुना है गधे शेर मार लेते। यजीदी फौज कहा शिमर कहा अब्बास, कहीं सुना है गधे शेर मार लेते हैं। यजीदी फौज कहा शिमर कहा अब्बास, कहीं सुना है गधे शेर मार लेते हैं। उनकी अजमतों और उनकी शानों को कौन बयान कर सकता है। लिखने वालों ने लिखा हजारों में 72 तन थे वो तस्लीम और रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया, किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया मदीना वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। दवाए दर्द इसिया पंजतन के दर से मिलती है, जमाने में यही मशहूर हैं दारुशिफा वाले, जमाने में बहुत मशहूर हैं
दारुशिफा वाले। और ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। था जोश पे शब्बीर का दरियाए सखावत, गुस्ताखिये खंजर का न शिकवा न गिला था। था जोश पे शब्बीर का दरियाए सखावत, गुस्ताखिये खंजर का न शिकवा न गिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शाह ने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शाह ने, ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शाह ने, जा याद करेगा किसी सैयद से, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। ओ जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आए तकहीर से जाहिर है शान अहले बैत, और मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दे, कभी कंधे पर बिठाएं, कभी पुश्त पर बिठाएं, कभी खुतबा रोकें, कभी सजदा लंबा करें। मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दे, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत, घर लुटाना जान देना कोई इनसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ऐ खानदान अहले बैत, तेरी कुदरत जानवर तक आपसे सैराब हो, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेजुबान अहले बैत, खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी जबान अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत, काफिला सालार मंजिल को चले हैं सौंप कर, वारिसे बेवारिसा को कारवाने अहले बैत, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, हूरे हूरे करती है उरूसा ने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवान अहले बैत, फूल जख्मों के खिलाए हैं हवाए दोस्त ने, खून से सींचा गया है, खून से सींचा गया है गुलसितान अहले बैत, खून से सींचा गया है गुलसितान अहले बैत, और तेरी कुदरत जानवर तक आपसे सैराब हो, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेजुबान अहले बैत, कहते हैं अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेजों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कद्र शान अहले बैत, अहले बैत पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाह अलैकुम, दुश्मनाने अहले बैत किस ज़बान से हो बयाने, इज़्ज़त शान अहले बैत मदहा गोए मुस्तफा है, मदहा खान अहले बैत बाग जन्नत के है बहरे, मदहा खान अहले बैत तुमको मुस्ता नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत, तुमको मुस्ता नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे आए हसन यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक के आला हजरत मशरपे अशरफिया अशरफी दूल्हा, पारहाए सुहफ गुनचहाए कुदुस अहले बैत नबुवत पे लाखों सलाम, आबे तत्हीर से जिनमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, हाँ शेर शमशीर जन शाहे खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, सय्यदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिनका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम, असले नस्ले सफा वजहे वसले खुदा बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम, हसन मुज्तबा सय्यदुल अस्किया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम, उस शहीदे भला शाहे गुलगु खुबा बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम, बाकिये साकियाने शराबे तुहूर ज़ैने अहले इबादत पे लाखों सलाम, और जितने हैं शहजादे उस शाह के उन सब अहले मकानत पे लाखों, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें हुसैनी बनाया है। हुसैन
अजमतों के अमीन का नाम है, हुसैन नाम है रिफअतों की बुलंदियों, रिफअतों खुद की रिफअतों की मेराज का, हुसैन नाम है मुस्तफा जाने रहमत अलैहि सलाम के पैगाम के मुजस्मे का, हुसैन नाम है मौलाए कायनात की रूहानी ताकत के मुजस्मे का, हुसैन नाम है सय्यदा जहरा की परवरिश का, हुसैन नाम है अली के मुर्तजा की शुजात का, हुसैन नाम है आगोशे मासूमियत के पलने वाले शेरे नर का, हुसैन नाम है हक व सदाकत के अमीन का, हुसैन नाम है तमाम बुलंदियों के ताज का, हुसैन नाम है हक व सदाकत के इमाम का, हुसैन नाम है यजीदी तारीकी में इस्लाम के नूर का, हुसैन नाम है पैगंबरे इंसानियत के फरमान के मुहाफिज का, हुसैन नाम है शजरे इस्लाम की आबियारी करने वाले का, हुसैन नाम है मुस्तफा जाने रहमत की दीन के दीन की अपनी खून सी सिंचाई करने वाले का, हुसैन नाम है अबू बकर की तालीमात की हिफाजत करने वाले का, हुसैन नाम है उमर की अदालत का तकद्दस बचाने वाले का, हुसैन नाम है उस्मान की हया के पैकर का, हुसैन नाम है अबू हुरैरा के इश्क के मुजस्मे का, हुसैन नाम है अब्दुल्ला इब्ने मसूद के तफक्को का, हुसैन नाम है इस्लाम के चमकते उभरते हुए दरख्त का, बल्कि ये कह दूं तो भेजा ना होगा, हुसैन नाम है वलियों की जान का, हुसैन नाम है मुस्तफा की शान का, हुसैन नाम है अली की पहचान का, हुसैन नाम है हसन इब्ने अली की आन का, हुसैन नाम है तमाम मुसलमानों के अमीर का, हुसैन नाम है पैगंबर इंसानियत के तालीम के मुजस्मे का, इसीलिए शानियाज बेनियाज ने तलब कर कहा था ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद नूर मियां साहब किबला, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान, सुभान अल्लाह। हुसैन एक ऐसा नाम है कि इधर जबान से अदा नहीं होता, उधर सोती हुई कौम बेदारी के लिए बेकरार हो जाती है। हुसैन ऐसा नाम है जनाब राष्ट्रपिता गांधी जिनके लिए कहते हैं मैंने अहिंसा का पाठ हुसैन इब्ने अली से सीखा है। हुसैन हक को सदाकत के उस सूरज का नाम है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था आज तक हमने ये देखा है कि जो कट गया वो मिट गया, मगर कर्बला के रेगजारों पर हुसैन ने हार जीत के उन्वान को बदल दिया और बताया हक के लिए कट जाने वाला कट जाने के बाद भी बाकी रहता है। पानी पीने वाले इब्ने ज़ियाद के टट्टू जहन्नम में पहुंच गए और प्यासे हुसैन के नाम पर आज रात को 12 बजे इस छोटे से गांव में फिदा होने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर नादिर शाह जिलानी, ये हुसैन इब्ने अली की सदाकत की गवाही है कि आज जिस बच्चे को जमीन पर ठीक से चलना नहीं आता उसका भी तसव्वुर कहता है जुल्म बेशक मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए, हम हुसैनी थे हुसैनी ही रहेंगे चाहे सारी दुनिया यजीद हो। हम हुसैनी थे हुसैन ही रहेंगे चाहे सारी दुनिया यजीद हो जाए। हुसैन ऐसे अजीम जात का नाम है जिसकी चौखट से खैरात लेकर अगर गरीब नवाज बांटे तो औरंगजेब मुहियुद्दीन आलमगीर का साए गदाई लिए उस चौखट पर खड़ा है। हाँ, जिस दरबार से गरीब नवाज खैरात लाए हैं और बांट रहे हैं तो जनाब शहाबुद्दीन शाहे जहां का साए गदाई लिए खड़ा है। नूरुद्दीन जहांगीर वहां पहुंचकर मन्नतें मांगता है। जलालुद्दीन अकबर औलाद की भीख मांगने उस चौखट पर जाता है। पंडित नेहरू हो कि भीमराव अंबेडकर, बड़े बड़े तुर्रम खान, ख्वाजाए खाजगान की चौखट पर फकीर बनकर आते हैं। मैंने तसव्वुर की दुनिया में कहा है गरीब नवा, बड़े बड़ों को आपकी चौखट पर झुकता देखा है। आपके ख्याल में शहंशाह
शहनशाहों के शहनशाह है। 900 साल से जब बांटने वाले का खजाना खत्म नहीं हुआ तो हुसैन की सखावत पर बोला कैसे जा सकता है। जी गरीब नवाज उन्हीं की नस्ले पाक के शहजादे, उनकी इन्हीं की नस्ले पाक के शहजादे, दाता अली हजवेरी उन्हीं की नस्ले पाक के शहजादे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी हुसैनी सैयद हैं, निजामुद्दीन महबूब इलाही भी हुसैनी सैयद हैं, हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर भी हुसैनी सैयद हैं, हजरत गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुतुबुल कुबरा महबूब यजदानी मीर कबीर सुल्तान औहदुद्दीन सैयद मोहम्मद अशरफ जहांगीर समनानी ये भी हुसैनी सैयद हैं, वारिसे देवा ये भी हुसैनी सैयद हैं, सादाते बिलग्राम ये भी हुसैनी सैयद हैं, सादाते मारोरा ये भी हुसैनी सैयद हैं। मैं अर्ज करता हूं जिस एक हुसैन के इतने शहजादों के गुंबदों की चमक की मिसल नहीं ला सकते, उस हुसैन के असगर का बदल कहां से ले गया। इतनों को नवाजने वाला अकेला सखावत का समंदर बनकर करबला में आराम कर रहा है। लेने वालों की न तादाद बयान की जा सकती है और ना उनके देने की लिमिट बयान की जा सकती है। कह लीजिए जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। कारी गुलाम मुश्तबा साहब मेरे उस्ताद हैं, इनका चेहरा देख के मुझे एक बात याद आ गई, ये हुसैनी फैजान ही है कि मुफ्ती आजम राजस्थान चमक रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने दौरे तालिब इल्मी में इमाम हुसैन को ख्वाब में देखा। उस दौर में मुफ्ती आजम राजस्थान ने इमाम अर्श मकाम की जियारत की थी, जी ख्वाब में पढ़ाई के दौर में, और फिर जब जियारत की सैयदों से यूं ही लगाव नहीं था, ये भी हुसैन का ही फैजान था। आज जो कुछ इज्जत है मुफ्ती आजम राजस्थान को, मुफ्ती आजम राजस्थान के नाम पर सैयदों को मिल रही है, वो भी असलन इमाम हुसैन ही की खैरात है। हाँ ख्वाब में देखा था, पढ़िए आप मुफ्ती आजम राजस्थान की समाने आयात, आप पढ़िए वो ख्वाब जिसमें आपने फरमाया, पढ़िए मारिफ़े मुफ्ती आजम राजस्थान जिसमें बरजस्ता ये दर्ज है कि मैंने इमाम हुसैन की जियारत की, और जब जियारत की तो सैयद तलाश किया कि किसको अपना ख्वाब सुनाऊं। ठीक, तो उस वक्त खत लिखा सदरुल फाजिल फखरुल अमासिल हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को, तो हजरत सदरुल फाजिल ने कहा मौलाना अशफाक अब जियारत ही हो गई है तो कुछ नियाज ही लगा दो। तो फिर हुसैनी लंगर सरकारे मुफ्ती आजम राजस्थान ने नियाज की शक्ल में बनवाया। जिधर रौनक देखें ये करबला वालों की खैरात है, जिधर देखें ये करबला वालों की खैरात है। मगर दोस्त ये मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती, ये मर्तबा इतनी आसानी से नहीं मिलता। आज किसी को थोड़ा सा मकबूलियत का मर्तबा मिल जाए तो उसके कदम बहकने की कगार पर होते हैं, लेकिन जिसने हुजूर के कंधे पर सवारी की, जिसने पुश्ते अनवर पर अपने वजूद को रखा, पैगंबर ने जिसके लिए खुतबा रोका, हरे जिसकी तख्तियों के फैसले आसमान से हुआ करते थे, जिनकी बारगाह में हिरनियां अपने बच्चे नजराने के तौर पर लेकर आ जाती थीं, जनाब जिब्रील जिनको कुश्ती खिलाने आते थे, दिहिया कल्बी की शक्ल में जिब्रील आए तो कूद के हुसैन उनकी गोद में बैठ जाते थे, इतनी असमतों का हामिल हुसैन। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा कहते हैं हम अहले बैत बचपन से जानते थे कि हुसैन एक शहीद का नाम है, इसे एक दिन शहीद हो जाना है, मगर फिर भी हुसैन तेरे सब्र को सलाम, तुम्हारे तहम्मुल को सलाम, तुम्हारी कुर्बानियों को सलाम। इतनी बुलंदियों के बाद भी जब जरूरत पड़ी है दीन के लिए, मदीना छोड़ा शाबान में मक्का पहुंचे, दुनिया मक्का आ रही थी और ये अपना फर्ज मनसबी अदा करने के लिए करबला गए, अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद करवाया, उनके शहजादों की शहादत हुई, ये करबला दो मुहर्रमुल हराम को पहुंच गए। जनाबे वाला आपने उल्मा से सुना, और मुझसे पेशतर मेरे भाई सैयद लुकमान शाह साहब ने आपको शहादत पढ़ के सुनाई, इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ। हुसूल बरकत के लिए मैं एक दो शहादत पढ़ूंगा और थोड़ी सी बात
शहादत के बाद शाम गरीबा को क्या हुआ, क्योंकि आज ही की शाम को शाम गरीबा कहा जाता है, इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं, वल्लाह बिल्लाह अपनी कोई औकात नहीं है, ये शहनशाहों की खैरात है कि हम और आप कुछ बोलने सुनने के लिए जमा हुए हैं। वरना हुसैन तो उस अजीम शान शहनशाह का नाम है, आसमान के फरिश्ते जिसे सलामियां देते हैं, जिसके नाम पर तकरीर की जाए तो चलते फिरते जिन्नात बैठकर सुनने लगते हैं। हुसैन उस अजीम शान उस अजीम उल मर्तबत वजूद इंसानी का नाम है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था, हजरत मौला हुसैन करबला के रेगजारों में 2 तारीख को पहुंच गए, जमीन को देख कर कहा मेरे बाप ने यहां बताया था कि तू शहीद होगा। 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मुजाकरे होते रहे, फिर पानी बंद कर दिया गया, 9 मुहर्रमुल हराम को लोग आ गए या निकल की तारीख में और जंग करने की बात की। मैंने बहुत सारी बातें कल पढ़ दी थी, इसलिए मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी का वो खून आशाम सूरज तुलु होता है, जिस तरह का सूरज न उससे पहले कभी तुलु हुआ है और न उसके बाद कभी इंशाल्लाह तुलु होगा, ऐसा खतरनाक सूरज, जिस सूरज की किरणों ने दुनिया में तो उजाला फैलाया मगर पैगंबर इंसान के घर के कई सूरजों को उस दिन गुरूब होना पड़ा। ज़ैनब कुबरा के कई सूरज उस दिन अल्लाह अकबर अपने रहमत में जाकर छुप गए, किसी का एक चराग बुझ जाए, किसी का एक बेटे का, बल्कि बेटा छोड़िए, पड़ोसी में अगर कोई जवान इंतकाल कर जाए तो सफ़े मातम बिछ जाती है। ज़ैनब के कल्ब मुबारक को कोई बयान क्या कर सकेगा, जिन लोगों को उन्होंने अपने वजूद नाज से पाला था, उस ज़ैनब कुबरा के सामने एक एक कर कर सूरज डूबते जा रहे थे। वो दिन था 10 मुहर्रमुल हराम का सन 61 हिजरी का, फजर की नमाज उस दिन कजा नहीं हुई, वो जो आशूर की शब गुजरी थी वो इबादतों में गुजरी, वो तिलावत कलाम में गुजरी, वो नाना जान को याद करके गुजरी, वो हुजूर की ज़ियारतें करके गुजरी। बड़ी कयामत वाली रात थी वो, हाँ सरकार बाबा फरीद ने राहतुल कुलूब में लिखा है, किसी देखने वाले ने ख्वाब में देखा था एक खातून ने कयामत तशरीफ लाई थी उस जमीन करबला पर और अपने मुबारक काचल से जमीन के एक हिस्से को साफ कर रही थी। किसी ने पूछा आप कौन हैं और जमीन के इस खित्ते को क्यों साफ कर रही हैं, तो आने वाली खातून ने कहा मैं फातिमा बिन्त मोहम्मद हूँ, वो सय्यदा तय्यबा ताहिरा मुतहिरा मुतहरा ज़ाकिया मुज़क्किया मुतहिरा आलिमा गैर मुअल्लिमा जाने मकसूद कायना ज़ौजाए राज़दारे हल अता हाज दुख्तरे मुस्तफा उम्मुल हसनैन मलिकाए फिरदौस से बड़ी खातून जन्नत सय्यदाए निसाए आलमीन हजरत फातिमा बिन्त मोहम्मद सलामुल्लाह अलैहा वाला अबीहा कसीरन कसीरा है, क्यों कर रही है ऐसा? जवाब आया कल हुसैन मेरा बेटा यहाँ गिर जाएगा, इसलिए मैं उस जगह को साफ कर रही हूं कि मेरे शहजादे को कंकरी न चुभ जाए। तीरों को तो रोक नहीं सकती, वो तो कुदरत ने मुकद्दर में लिखा है, वो उसके इम्तिहान की मंजिल है, उसके रद्द होने की दुआ हम नहीं कर सकते। मैं अपनी माओं और बहनों से पूछूंगा, एक वो जहरा हैं जिन्हें पता है कि हुसैन शहीद होंगे, जिन्हें मालूम है कि हुसैन की परवरिश अपने सहारे के लिए नहीं की जा रही है बल्कि एक दिन ज़िबा होना है। मेरी बहन आप मुझे अपने इस्लामी दिल पर हाथ रखकर मुझे ना बताएं, खुद से ही पूछें कि ज़रा गौर करें, एक वो खातून थी जिसने दीन के लिए अपनी औलाद की परवरिश की थी और एक आज की खातून है कि उनके जवानों को दीन के बारे में पता ही कुछ नहीं, उनके हाथ जुओं से रंगीन हैं, उनकी निगाहें बेहयाइयों से मुजयन हैं, उनकी जवानें बुराइयों से लतपत हैं। ये किसका काम था कि आपकी औलाद हुसैनी बने? हुजूर ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रईयत के बारे यानी उसके अंडर उसके मातहत रहने वाले लोगों के बारे में पूछा जाएगा, इसलिए अपनी औलाद को हुसैनी बनाओ। हम करबला किस्सा कहानी के लिए नहीं सुनाते, पहली बात तो हम करबला इबादत समझ के पढ़ते हैं कि हुसैन
हुसैन का जिक्र इबादत है। हाँ, वली बनने का शॉर्टकट रास्ता यही है। पैगंबर ने अपनी ज़बान तर्जमान से, फैज़े तर्जमान से इरशाद फरमाया था, अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैन, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेगा। महबूब खुदा बनना है, हुसैन के नाम का वजीफा शुरू कर दो। एक दिन आएगा कि नादिर अली सरकार की रूह भी तुम्हें मोहब्बत से अपनी आगोश विलायत में समेटेगी कि ये मेरे दादा हुसैन इब्ने अली का पैरोकार है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सरकार मौला हुसैन के परवरिश सैयदा ने की, लेकिन सैयदा को ख्वाब में कोई देखता है कि वो जमीन साफ कर रही हैं। वो रात कयामत की रात थी, हजरत सरकारे इमाम अर्श मकाम ने इबादतों में गुजारी। सुबह हुई, अजान फज्र देने के लिए हजरत मौला अली अकबर को बुलाया गया। कौन है ये शहजादा जिसकी शक्ल वो हमारे और आपके नबी से मिलती है? अब अपनी हाजतें और मुरादें और तमन्नाएं अपने दिल में ले लें, इसलिए कि उन सखी लोगों का जिक्र करने लगा हूं जिसकी चौखट से पाकर कोई गरीब नवाज और कोई मखदूम अशरफ बनता है। मैं उन आकाओं के आकाओं की बात करने लगा हूं। हाँ, बातें अगर ना पूरी होती हों तो ज़ैनब पाक का वसीला दे दो, बातें ना पूरी होती हों तो मासूम सिफत अली असगर का वसीला दे दो, अब्बास अलमदार का वसीला दे दो। इंशाअल्लाह रहमान आरजुएं और मुरादें पूरी हो जाएंगी। गोद सुनी है तो इन सखियों के तसव्वुर से और इनके तवस्सुल से दुआ करो, इंशाअल्लाह आबाद होगी, बीमारों को शिफा मिलती है। ये वो मुकद्दस लोग हैं कुदरत जिनके नामों के वसीले को नहीं टाला करती। इखलास लिल्लाहियत की मेराज होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूँ, हजरत सरकार मौला अली अकबर से फरमाया गया, ऐ हम शक्ल पैगंबर अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, अजान फजर दो। फजर की अजान मौला अली अकबर ने दी, नमाज सरकार मौला हुसैन ने पढ़ाई, और फजर की नमाज से जैसे ही फारिग हुए देखा तो सामने लश्कर अशकिया खड़ा है और उन्होंने अपनी सफ को बराबर कर लिया है कि आज जंग होनी है। एक शख्स ने आकर मौला हुसैन की गुस्ताखी की। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा ने अर्ज किया, हुजूर इजाजत हो तो तीर मार दूं। यूं ही नहीं कहता गांधी ने कि मैंने अहिंसा का पाठ हुसैन से सीखा है। सफ तैयार है, जंग शुरू होने वाली है और उस वक्त भी कोई हुसैन को गाली दे रहा है, अला जद्दी वाले सलाम, और खादिम कहता है इजाजत हो तो तीर मार दूं। मौला हुसैन ने फरमाया, कोई तीर हमारी तरफ से पहले नहीं चलाया जाए, हम ना अपनी तरफ से नेजे पहले चलाएंगे, न तलवार पहले चलाएंगे, न तीर पहले चलाएंगे। उधर से तीर चलेगा तो हम जंग करेंगे, वगर ना तो हम जंग नहीं करेंगे। वो इब्ने साद की बदबख्ती और कम नसीबी थी। हनुमानगढ़ वालों, नवा शरीफ वालों, अतराफ व अकनाफ से आने वालों, हम और आप किस खुशफहमी में हैं कि हमारे पास नजात की सनद है। वो अशरा मुबशरा के सहाबा में से एक सहाबी का बेटा है जो हजारों का लश्कर लेकर हुसैन पाक से लड़ने करबला आया है। क्यों? दुनिया, हुकूमत, पैसा, बस इसी की तलब। यानी दुनिया की रंगीनी ने कन्फर्म जन्नती बाप के बेटे को कन्फर्म जन्नत जहन्नमी बना दिया। आया इब्ने साद, उसने पैगाम पहुंचाया इमाम हुसैन से, कहा कि मैं जंग करने आया हूं। और इस दिन, बातें बहुत सारी छोड़ के आगे बढ़ता हूं, इस दिन उसने सबसे पहला तीर आकर चलाया करबला में। और उस कम नसीब ने यह कहा कि लोगों गवाह रहना, इब्ने अली के खिलाफ पहला तीर करबला में इब्ने साद ने चलाया था। अल्लाह की पनाह, उस नवासे के वफादारों को सलाम। मैंने कल भी पढ़ा था, आशूर की शब थी तो मौला ने अपने आस पास सबको बिठा के चराग बुझा दिया था और फरमाया था, जाओ चले जाओ, अल्लाह ऐसी जजा दे तुम्हें जैसा वफादारों को जजा दी जाती है। मैं गवाही देता हूँ कि मेरे दोस्तों की तरह किसी के दोस्त नहीं हैं, मेरे अहले बैत की तरह किसी के अहले बैत नहीं हैं। तुमने हक अदा कर दिया और आज तक मेरा साथ दिया, लेकिन सुबह होगी तो सब ज़िबा किए जाओगे, इसलिए मेरी तरफ से इजाज़त है। एक एक मेरे घर वालों का हाथ पकड़े मेरा साथी,
और निकल जाए जंगलों और पहाड़ों की तरफ। जब हालात अच्छे हो जाएं तो अपने घरों को चले जाना। ये मेरे खून के प्यासे हैं, मुझसे बदला लेना चाहते हैं, इसलिए तुम चले जाओ। चिराग बुझाया था ताकि लोग चले जाएं, लेकिन जब जलाया है तो एक भी उठकर नहीं गया। और सरकारे मौला ने पूछा हुसैन आजम ने क्यों नहीं गए। मुस्लिम इब्ने औसजा के जुमले पढ़िए जो तबरी और इब्ने असीर वगैरह ने लिखे हैं, रगों में खून खुश्क हो जाए ना तो दौड़ने लगता है। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा उनकी वफादारी पर मेरे सजदे कुर्बान। कहते हैं सरकार हमारे पास तलवारें हैं, तलवारें अगर ये ना भी होती ना तो भाटे मार मार के आपकी तरफ से जंग करते, पत्थर मार मार के आपकी तरफ से जंग करते, शहीद हो जाते मगर आपको छोड़ के ना जाते। साद इब्ने अब्दुल्ला हनफी के जुमले पढ़े, जब इमाम ने कहा चले जाओ तो उन्होंने कहा हुजूर 70 बार जिंदा जला दिया जाऊं और फिर भी आपके काम आ सकूं तो मैं जिंदा जलने को तैयार हूं। बड़े ज़ुहैर इब्नुल क़ैन बजली ने क्या कहा था, बात दूर चली जाएगी अगर मैं आशूर में कही गई बातों को पढ़ूंगा, लेकिन 10 मुहर्रमुल हराम को जब सफ लग गई हो आए शहीद हो गए, वहाब इब्ने अब्दुल्ला आए शहीद हो गए। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। हुसैन इब्ने अली की जो जो गुस्ताखियां हुई है ना, एक तो कयामत तक के सैयदों के लिए वो तसल्ली है कि देखो जब आपके जद्दे आला के साथ कलमा पढ़ने वालों ने ये किया तो तुम्हारी औकात क्या है हुसैन के सामने। और दूसरा हुसैन के बड़े दिल के हवाले से समंदर की गहराइयां और चौड़ाइयां भी हुसैन इब्ने अली के कल्ब सालिम को सलाम कर रही हैं। हुसैन इब्ने अली के सामने सरकारे मौला हुसैन ने खंदक बना दी थी, पीछे चौड़ी चौड़ी खंदक हो दी थी बुनियाद, ताकि चूंकि मैदान था ना, ताकि पीछे से कोई घोड़ा फांद के अंदर ना आ जाए और कबीले वालों को खेमे वालों को तकलीफ ना हो। तो जब उस लकड़ी में जंग शुरू होते ही आग जलाई गई ना खंदक में, तो एक गुस्ताख ने कहा नऊज़ु बिल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, उसने कहा आपने जहन्नम से पहले ही आग लगा ली, वहां तो आपको जहन्नम में जाना है, आपने यही आग लगा ली। नऊज़ु बिल्लाह, जन्नती जवानों के सरदार को ये बात सुननी पड़ी। हालांकि फिर उन्होंने दिखाया, बद्दुआ कर दी मौला हुसैन ने, जिस बदबख्त ने ऐसा जुमला कहा था उसी का घोड़ा भागा और वो अपने घोड़े के पीछे भागा, उसने उसको टांग उसकी टांग को तो पकड़ा लेकिन वो फंस गया उसका पांव उसकी लगाम में घोड़े से गिरने की वजह से, और उस घोड़े ने उसको घसीटते हुए उसी खंदक में ले जाके जला डाला जिसके हवाले से उसने मौला हुसैन को ताना दिया था। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, मगर जनाब एक शख्स ने खड़े होकर कहा हुसैन तुम्हें रसूलुल्लाह से क्या रिश्ता। नौजुबुल्ला, ये गाली थी इमाम हुसैन को। वो कहना ये चाहता था कि नसब तो बेटों से चलता है, तुम तो नवासे हो, तुम्हें रसूल से क्या खानदानी रिश्ता है। ये इमाम हुसैन के नसब पर काउंटर था। अल अमान वल हफीज, अल्लाह की पना, ये यजीदियत है यजीदियत। हजरत मौला हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम के कानों ने सुना कैसे होगा, जिसको जिब्रील मोहब्बत से अपनी गोद में बिठा लेते हों, जिसको हुजूर ने इस बरसरे मिंबर खड़ा करके जिसका इंट्रोडक्शन करवाया हो, जिसके बारे में हुजूर फरमाया करते हो हमारा यहाँ नताया मिन दुनिया, ये दोनों जन्नत के फूल हैं मुझे दुनिया में दिए गए हैं, उसको ये भी सुनने मिला कि तुम्हें रसूलुल्लाह से क्या रिश्ता। कयामत गुजर गई कल्ब मुबारक पर, हाथ उठाकर उसके लिए भी बद्दुआ की। वो खबीस गया इस्तिंजा करने के लिए तो उसकी शर्म की जगह को बिच्छू ने काटा, और फिर वो पागलों की तरह दौड़ता था अपनी नजासत में ही। जनाबे वाला, इस तरह के लोग अपनी ही नजासत में फंसते हैं, अपनी नजासत में जो है वो लोटपोट हुआ, और फिर उसके बाद करबला के मैदान में पागलों की तरह नंगा फिरता था, और आखिर उसी हाल में उसको मौत आ गई। दुनिया ने देखा कि हुसैन इतने पावरफुल हैं कि जबान हिलावे तो मौत आ जाती है। अभी कह दे ए अल्लाह ये सारे 22,000 को मार दे, इनके नाना के लिए एक जंगे अहजाब में तूफान आया था उनके दुश्मनों के पांव को उखाड़ने के लिए,
हुजूर लड़े ही नहीं एजाब वालों से, इतनी जोर से तूफान और आंधी आई। कुरान की तफसीर उठा के पढ़े, ऐसी आंधी आई कि दुश्मनों के खेमे उखड़ गए। अबू जहल की कंपनी भाग खड़ी हुई, अमीर कहीं गया, कमांडर कहीं गया, और बर्तन कहीं उड़ गए, जानवर कहीं भाग गए, और तितर बितर हो गया इस्लामी दुश्मनों का लश्कर। हुसैन चाहते तो यहां भी कुछ ऐसा नजारा दिखा सकते थे, लेकिन सब्र तहम्मुल का वो मुजस्समा शहीद आजम होने के लिए बेकरार है। मैं शहादतें नहीं पढ़ूंगा, आगे बढ़ता हूं। बहुत सारे लोग शहीद हो गए, एक से एक, किसी की 18 साल की दुल्हन थी वो शहीद हो गए और उसकी दुल्हन भी इंतकाल कर गई। कोई अब्दुल्ला बिन उमैर है, कोई वहाब बिन अब्दुल्ला है, कोई हुर इबन यजीद रियाही तमीमी है, कोई जुहैर इबन अल-कैन अल-बजली है, कोई मुस्लिम इबन औसजा अल-असदी है, कोई साद इबन अब्दुल्ला हनफी है, कोई हबीब इबन मजाहिर है, एक के बाद एक शहीद हो गए। फिर मुस्लिम इबन अकील के भाइयों की शहादत हुई, फिर सरकाराने मौलाए कायनात के शहजादों की शहादत हुई, अब्बास इबन अली के भाई जाफर इबन अली, मोहम्मद इबन अली और उस्मान इबन अली, ये लोग मैदान कारजार में मौजूद थे। हजरत अब्बास अलमदार के सगे भाई थे। मैंने कल शहादत अब्बास पढ़ी थी, इसलिए आज नहीं पढ़ूंगा, आगे बढ़ता हूँ। हजरत अब्बास अलमदार के भी बाजू कट गए, शहादत उन पर भी नाश करने लगी। हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा ने अपने दोनों नन्हे नन्हे बच्चों को कहा, जाओ और मामू से कहो कि इजाजत दें कि हम भी मैदान करबला जाएंगे। तवज्जो से सुनिएगा, मैं शहादत पढ़ने लगा हूँ और बात को इख्तिताम की तरफ लेकर आ रहा हूँ। सरकार नबे कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों फूल, ये दो ही बेटे थे सरकारे ज़ैनब के। सरकारे ज़ैनब ने कहा, जाओ अपने मामू से इजाजत मांगो कि हमें भी मैदान में जाने दे। दो नन्हे फूल मौला हुसैन की खिदमत अकदस में आए, कहा मामू हमें भी इजाजत दे कि हम मैदान में जाए। इमाम हुसैन की आंखें भर आई और फरमाया, अपनी बहन की गोद को अपने हाथों से उजाड़ दू, मेरी गैरत तो इस बात की इजाजत नहीं देती। जिस बहन ने कभी मुझे नाराज न किया, आज मैं उसकी गोद को सूना कर दूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकारे मौला हुसैन अला जत्ती वाले सलाम से भांजों ने कहा, हम भी बाकी नहीं रहना चाहते, फना होकर इस दुनिया फानी से हम शहीद होकर हमेशा की बका चाहते हैं। और सरकारे ज़ैनब कुबरा के हवाले से उन नन्हे शहजादों ने कहा, देखिए ना, अम्मी जान ने हमको कहा है कि हम आपसे आकर इजाजत मांगे। इतने में सैयदा ज़ैनब कुबरा इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम की खिदमत बाबरकत में आई और कहा, भैया आपने मेरी बात को कभी नहीं टाला। मेरी माँ ज़हरा ने कहा था कि ज़ैनब का दिल न दुखाना और ज़ैनब की बातों को रद्द न करना। आज ज़ैनब सवाल करती है, मेरे बच्चों को भी शहादत की सनद ले लेने दो, मेरे शहजादों को भी तुम पर लुट जाने दो, मेरे शहजादों को भी दीन के लिए कुर्बान हो जाने दो। मौला हुसैन ने कहा, बहन तेरे नन्ने नन्ने शहजादे हैं तो इनको बचा के रख, तेरी को खुदा सलामत रखे, तेरी गोद खुदा सलामत रखे, तो इनको न भेज। सरकार ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। जिस वक्त रवाना कर रही थी वो अली की बेटी थी, अली की, और निहायत शुजात के साथ कहा, हुसैन मेरे बेटों को मैदान में जाने ही देना पड़ेगा, वगरना तो सैयदा फातिमतु जहरा अम्मी जान को क्या जवाब दूंगी। इमाम हुसैन ने अपनी बहन के सामने अपनी जबान को लौटाया और अपने उन भांजों को शहादत की राह दिखाई और तैयार किया उनकी बहन ने यानी ज़ैनब पाक ने अपने बच्चों को। आज मेरी माएं, मेरी बहनें अपनी औलाद को दूल्हा बनाते वक्त हुजूर की शरीयत को भूल जाती हैं। ज़ैनब के जिगर से पूछो, उसे अपने शहजादों को दूल्हा बनाने का मौका न मिला, लेकिन शहादत का दूल्हा बनाने के लिए ज़ैनब पाक ने अपने हाथ से अपने शहजादों को सजाया और तलवारें देकर कहा, जाओ जाफर तैयार के पोतों, मैदान कारजार में बताओ कि तुम्हारे दादा जब आला जाफर तैयार की तलवार की गूंज आज तक मुल्क शाम में है। तुम भी जाकर बताओ कि जाफर के क्या हुआ, लेकिन इन्हें भी तलवार चलाने के गुर आते हैं। मैदान कारजार में अब्दुल्ला
عبداللہ ابن جعفر کے یہ شہزادے جن کے مقدس نام حضرت عون ابن عبداللہ حضرت محمد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں وہاں پہنچے میدان کارزار میں پہلے تو کسی نے پہچانا نہ پہچانا کسی نے کہا حسین خیمے میں جوان ختم ہو گئے بچوں کو بھیجنے لگے ہو مولا حسین نے جواب نہ دیا کسی نے کہا پہچانو تو یہ بچے کون ہیں دیکھ یزیدی نے چہرے انور کو غور سے دیکھ کر کہا لگتا ہے یہ زینب کے شہزادے ہیں ان کے حسین چہرے ان کے نسب کی گواہی دے رہے ہیں پھر ان دو شہزادوں نے جتنی دیر بھی ان سے ہو سکا اپنی تلواروں کے جوہر دکھائے ان بدبختوں نے ان مقدس شہزادوں کے سر کاٹ دیے کتنا عظیم نسب تھا ان کا کہ جعفر حضرت جعفر طیار اور مولا علی سگے بھائی ہیں جعفر ابن ابو طالب علی ابن ابو طالب دونوں سگے بھائی ہیں یہ عون و محمد حضرت جعفر کے پوتے تھے سگے اور حضرت مولا علی کے سگے نواسے تھے اتنا عظیم سلسلہ نسب تھا ان کا لیکن ان دنیا کے اندھ بھکتوں نے ان مقدس گردنوں کو کاٹ کے مولا حسین کی طرف پھینک کے کہا لے جاؤ اپنے بھانجوں کو حسین نہ جانے کس دل کے ساتھ اٹھے اور اپنے ان بھانجوں کے سروں کو اپنے سینوں سے لگا کر خیمہ اقدس کے پاس آ کر بہن زینب کی خدمت میں دے کر کہا بہن زینب کو دے کر کہا لے بہن قدرت نے تیری قربانی بھی قبول فرما لی جب بھیج رہی تھی نا اس وقت وہ علی کی بیٹی تھی مگر ماں بہرحال ماں تھی جب اپنے بچوں کے سر کو دیکھا تو زینب کی چیخ نکلی اور کہا میرے بچوں تمہاری ماں کی طرف سے اللہ تمہیں ایسی جزا دے کہ تم نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا تم نے کربلا کی اس رنگین وادی کو اپنے خون سے رنگ کے اس دنیا فانی کو بتایا ہے اور آخرت میں مجھے اس بات کے لیے سرخرو کیا ہے کہ زینب کے ایک باغ میں تھے دو پھول مہکتے زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں زینب کبرا کی کیفیت بدلی حضرت سرکار امام عرش مقام کے شہزادے حضرت مولا علی اصغر کے حوالے سے عرض کروں علی اکبر کھڑے ہیں شہید ہونے کو تیار ہیں میں نے کل مولا علی اکبر کی شہادت پڑھی تھی اس لیے نہیں پڑھتا آج حصول برکت کے لیے مولا علی اصغر کے پڑھتا ہوں سرکار مصطفیٰ کے اس نواسے نے جیسے ہی خیمہ اقدس میں قدم رکھا واپس میدان سے تو سرکار ام رباب مخدومہ نے عرض کیا مولا حسین چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر تو کسی کو بھی ترس آ جاتا ہے یہ اصغر کو دیکھو تین دن کے بھوک پیاس کی وجہ سے اسے دودھ بھی نہیں مل رہا ہے اسے پانی بھی نہیں مل رہا ہے اس کی زبان سوکھ کر لکڑی ہوئی چاہتی ہے بار بار اپنی زبان دکھاتا ہے آپ اسے فوج اشقیہ کے سامنے لے جائیں ان بدبختوں کے سامنے لے جائیں شاید ان کے دل میں کوئی رحم آ جائے شاید ان کے دل میں کوئی رحم آ جائے وہ ہم پر رحم کرے نہ کریں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر تو کوئی بھی رحم کر دیتا ہے آپ کو میں بتاؤں اصغر کا نام کیوں لیا جاتا ہے اتنا اس لیے کہ ایک جملہ کہوں ایک ہی جملہ کہتا ہوں اس لیے کہ جو لوگ ابن زیاد کی کمپنی کو بچا رہے تھے نا علی اصغر کی شہادت نے ان کے چہروں سے اسلام کا جھوٹا ماسک کھینچ لیا اور بتایا تم وہ کمزرف لوگ ہو جو مسلمان ہونا تو بڑی بات تم انسانیت کو شرمندہ کرنے والے لوگ ہو اس 15ویں صدی میں سخت دل کا آدمی بھی ٹرین میں سفر کر رہا ہو اور اس کی پڑوس کی سیٹ کا بچہ اگر پیاس سے تڑپتا ہو تو اپنی 20 روپے کی پانی کی بوتل آگے بڑھا کے کہتا ہے لے اس بچے کی ماں تو اپنے بیٹے کو پانی پلا اس لیے کہ ہم حسینی ہیں ہم سے پیاس دیکھی نہیں جاتی دوسروں کی ہم پیاسے تو رہ لیتے ہیں لیکن حسین کے نام پر اتنا سبیل پلاتے ہیں کہ دنیا جان جائے کہ ہم حسینی لوگ کسی مسافر کو پیاسا دیکھنا ہی نہیں چاہتے یہ انسانیت ہے یہ انسانیت یہ مانوتا ہے
हजरत मौला अली असगर पर भी उन कमीनों को रहम नहीं आया। हुसैन इब्ने अली ने ले जाकर जब अपने हाथों से मैदान कारजार में आप खड़े हुए, हालांकि एक रिवायत मिलती है मौला हुसैन ने जब शहीदों की लिस्ट पाई थी ना कि ये शहीदों ने, तो अली असगर मौला का भी नाम लिखा हुआ था। तो ख्याल ये था कि ये तो मैदान में जा नहीं सकता तो फिर ये शहीद कैसे होगा, कैसे होगा। लेकिन जब सरकार उम्मे रुबाब ने कहा कि ले जाओ मैदान में, हुसैन पाक को ख्याल आ गया कि ये यूं शहीद होगा। मैदान कारजार में पहुंचे, बशरी तकाजे को पूरा करने के लिए फरमाया, ए बदबख्तों की फौज, तुम मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो, मैं अली का बेटा हूं, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस छोटे से बच्चे से तो नहीं है, हमें पानी न दो, चंद कतरे इस बच्चे को पानी दे दो। हजरत मौला इमाम फरमा ही रहे थे खुतबा इरशाद, एक कमीने ने कहा, एक बदबख्त अजली बदबख्त ने कहा, जहन्नमी कुत्ते ने कहा, हुसैन सांप का बच्चा सांप होता है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और हुरमला जैसे जहन्नम के कुत्ते ने जानवरों पर चलाया जाने वाला तीर खींचा और अपनी कमान में लगाकर खींचते हुए हजरत मौला अली असगर की तरफ उसने उस तीर से निशाना साधा जो जानवरों की सख्त चमड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। 6 महीने के मासूम अली असगर, मासूम उस माने में नहीं जिस माने में शिया कहते हैं, मासूम उस माने में जिस माने में गोया के अल्लामा अरशदुल कादरी ने लिखा और हमारे उलमा ने, यानी उनकी सिफात मासूम मासूमों वाले थे। सरकार मौला अली असगर के उस नरमो गुदास गले पर वो तीर आके लगा, इतना सख्त तरीन दिल, इतना सख्त तरीन दिल उस कमजर्फ का था, उसको जर्रा बराबर रहम नहीं आया। घोड़े पर चलाने वाला तीर हजरत मौला अली असगर पर चलाया, सरकारे अली असगर का तो गला था ही कितना सा, वो तीर हजरत मौला अली असगर के गले को पार करता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में आके चुप गया, आर पार हो गया। हजरत मौला हुसैन ने एक आह खींची, उस तीर को खींचा जब तो खून का फुवारा निकला, खून का फवारा हुसैन ने अपने हाथ में लेकर आसमान की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा। इब्राहिम ने छुरी उठाकर इस्माइल को ज़िबाह करना तो चाहा था मगर इस्माइल बच गए थे। आज हुसैन की गोद में हुसैन का बेटा शहीद है, मालिक इस नन्ही सी कुर्बानी को कबूल कर लेना। ये कहा, उलमा ने तो बहुत कुछ लिखा है मगर मैं नहायत एहतियात के साथ आगे बढ़ता हूँ कि उस खून के साथ मौला हुसैन ने क्या किया। बाज ने यह भी कहा है, उसको आसमान पर उछालना चाहा तो आवाज आई न उछालना वरना आसमान खून ही बरसाता रहेगा। बाज ने लिखा, जमीन पर गिराना चाहा तो आवाज आई न फेंकना वगर ना तो जमीन खून फेंकेगी पानी नहीं फेंकेगी। हजरत सरकार मौला हुसैन ने फिर उस खून को एक रिवायत के मुताबिक अपनी दाढ़ी पे लगा लिया या अपने जुब्बे अतार पे कहाँ ले जाते, जुब्बा लिबास तो वैसे ही रंगीन था खून से। तीर निकाल के गोद में उठाए हुए सरकारे मौला अली असगर को मौला हुसैन लेकर करबल की इस मैदान में खेमे की तरफ जा रहे। आज हमारे हिंदू भाइयों ने फिलिस्तीनियों की कैफियत देखी ना कि उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तो दूसरे मजहब के लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ गए कि यार इंसानियत तो बचाओ, आम बच्चों की बेहिसी, आम बच्चों की मजलूमियत हमसे देखी नहीं जाती। वो तो अली मौला का सगा पोता था, मौला हुसैन घर में लाए, खेमे में लाए और उम्मे रुबाब को देते हुए कहा, लो अपने शहजादे की लाश, आज के बाद ये शहजादा कभी पानी नहीं मांगेगा, अब असगर कौसर के जाम पीने के लिए चला गया।
साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए, मगर वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। हजरत कासिम की शहादत हुई, मौला कासिम मौला हसन के बेटे, हजरत मौला अली अकबर की शहादत हुई। अल्लाह ने हुसैन आजम को तीन बेटे दिए थे, आपने तीनों बेटों का नाम अली रखा था। जो बड़े थे वो अली अकबर कहलाए, जो मंझले थे वो अली औसत इमाम जैनुल आबिदीन कहलाए, जो छोटे थे वो अब्दुल्ला अली असगर कहलाए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम जैनुल आबिदीन बीमार थे, आप भी तैयार थे लड़ने के लिए लेकिन पांव कांपते थे, तो मौला हुसैन ने सीने से लगा के उनको राज की बातें बताकर बिस्तर पर लिटाते हुए ये कहा, मेरी नस्ल तुझसे चलेगी, पूरे काफिले को मदीना तुझे लेकर जाएगा, लेकिन अली इतना कहता हूं जब मदीने पहुंचना तो नाना जान को सब बता कि आपकी उम्मत ने आपके हुसैन के साथ क्या क्या किया, सब बताना जाकर करबला के दास की दास्तान को नाना जान। इसीलिए तारीख कहती है जब मौला जैनुल आबिदीन पहुंचे थे मदीना मुस्तफ़ा, सरकार जैनब पाक कंडीशन उस वक्त की नहीं पड़ता, बहुत आगे की बात है, लेकिन कब्र अनवर के पास बैठकर जैनुल आबिदीन घंटों बैठे रहे थे और क्या कहा था क्या नहीं कहा था, मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बयान कर सकूं, क्योंकि जिस उम्मत को हुजूर इतना चाहते थे कि अगर हदीसों में आया कि बादल गरजता था ना तो हुजूर अपनी चादर जल्दी से खींचते हुए बाहर आकर कहते मालिक मेरी उम्मत को अजाब से बचा लेना, उस रसूल के कल्बे अतहर पर क्या गुजरी होगी जब जैनुल आबिदीन ने करबला की दास्तान सैयद इंसो जान को सुनाई होगी। हजरत मौला हुसैन जद्दी वाले सलाम पर भी चारों तरफ से उन अजली बदबख्तों ने हमला करके सरकार इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। मैं आपकी भी शहादत बतौर बरकत इतना अर्ज करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि सरकार मौला हुसैन अला जद्दी वाले सलाम भी अपनी आखिरी लम्हे में ये कहते हुए कि साहब क्या वक्त है, कहा जुमे का वक्त है, जमीन पर इमाम अर्श नशीन फर्श जमीन पर तशरीफ लाए और लाने के बाद सजदा फरमाया और तपती हुई जमीन पर गिरा सैयदा का लाल, फरमाया सूखे होठों से या रब्बे जुल जलाल है आखिरी दुआ यही इब्ने बतूल की, महशर में बख्श देना तू उम्मत रसूल की। इतना कहा हुसैन और सर को झुका दिया, शिमरे लई ने आप पे खंजर चला दिया। नवाज शरीफ वालों बात बात पर नाशुक्री करने वालों जरा तमाम कुलों को कुर्बान करके बुझा कर जब हुसैन आखिरी सजदे में पहुंचे तो अल्लाह की हम्द की है और कहा मेरे अल्लाह जिस हाल में रखा तेरा शुक्र है, जो कुछ कुर्बानी मेरे बस में थी मैंने दे दी, मेरी तरफ से कबूल फरमा लेना। इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, मौला हुसैन की शहादत हुई और शहादत इमाम के बाद आसमान खून रोने लगा। दो चंद मिनट करबला के बाद की बात सुन लीजिए, आसमान खून रोने लगा, आसमान से खून की बरसात हुई। इब्ने हजर को पढ़िए, आप असवाइकुल मुहर्रका पढ़िए, आप तहजीबुत तहजीब पढ़िए, जलालुद्दीन सुयूती की खसाई से कुबरा पढ़िए, आपको पता चलेगा। फरमाया गया कि मुल्क के शाम के जिस पत्थर को उठाया जाता था उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था, लोगों के मटके लोगों के बर्तन आसमान से खून से बारिश होने की वजह से, खून की बारिश होने की वजह से लोगों के तश्त खून से भर गए। अल्लाह अकबर। रिवायतों में आया जिसने उस दिन चेहरे पर गाजा लगाया यानी अपना चेहरा संवारने के लिए कोई चीज लगाई उसके चेहरे जल गए। हजरत इमाम अर्श मकाम के वजूद नास पर अल्लाह की पनाह उन कमजरफों ने मौला हुसैन के कपड़ों को उतार लिया और उस पर घोड़े दौड़ाए, उस मुकद्दस जिस्म पर जो कभी हुजूर के मुकद्दस कंधे पर सवार होता था, उस राकिबे दोशे इज्जत के वजूद नाज पर घोड़े दौड़ाकर उनकी हड्डियों को चूर चूर उन कमजरफों ने किया। अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर
तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। ये करबला की शाम निहायत खून आशाम शाम है, ऐसी शाम है जैसी शाम न दुनिया ने कभी देखी है और न कभी देखेगी। ये ऐसी शाम है, बल्कि एक जुमला अर्ज करूं, यजीदियत की तारीकी में इस शाम में जहां चारों तरफ अंधेरा है, एक नाम चमक रहा है, हुसैन हुसैन हुसैन, और इतना चमक रहा है कि कयामत तक ये नाम चमकता रहेगा। करबला की ये शाम जहां अहले बैत की मजलूमियत की दास्तान सुना रही है, वही कलमे का नाम लेकर जुल्म करने वालों की दास्तान भी सुना रही है। ये शाम गरीबा पैगंबर इंसानियत के काफिले को ताराज होने की बात अगर बता रही है, तो जनाब अपने घरों में इस्लाम के झंडे लगाने वालों की जानिब से नवासे रसूल पर और उनके अहले बैत पर, उनके वफादारों पर कत्ल और गारत का सिलसिला जारी करने वालों का जुल्म और तशद्दुद भी बयान कर रही है। अगर ये करबला की शाम उन बदबख्तों के जुल्म और तशद्दुद और जबर का ऐलान कर रही है, तो ये करबला की शाम अहले बैत अतहार के अज़्म मुसम्मम, उनकी अज़मत, उनके रिफात, उनके मुकद्दस इरादों और उनके इस्तेकामत का भी ऐलान कर रही है। करबला की ये शाम रहती दुनिया तक याद की जाएगी। और एक बात और अर्ज करता चलो, करबला की ये शाम पूरी तारीख इस्लाम ही नहीं, बल्कि पूरी तारीख इंसानियत में यजीदियों के मनहूस किरदार को अपने दामन में लिए हुए है, तो वहीं करबला की ये शाम हक व सदाकत के अलमबरदार इमाम हुसैन के वफा को भी अपने दामन में समेटे हुए है। अहले बैत अतहार की सब्र व रजा, इश्क वफा, उनकी जूद व सखा, उनकी इसार व वफा, उनकी मोहब्बत, उनकी इताअत, उनकी इस्तकामत, उनकी अदालत, उनकी सदाकत, उनकी अजमत, उनकी रिफत, उनकी बुलंदियों की गवाही करबला का वो रेगजार दे रहा है। वो जगह जो कल तक मैदान थी, आज हुसैन के एहसान से रश के जिनान बन गई है। वो जमीन जिस करबला को कल तक कोई तवज्जो से नहीं देखता था, आज हर आशिके अहले बैत उस रश के जन्नत जमीन को चूमने के लिए तैयार है, बेकरार है। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, सुना है करबला की खाक है, एक सीर से बढ़कर ये मिट्टी आंख में लेने से बिनाई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, ज़बा पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती। हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना, हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना, हुजूम खल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती, तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में रख लो, अली के गुल रुखों से बुए जहराई नहीं जाती, जतन हर दौर में क्या क्या यजीदियों ने कर देखे, मगर जहरा के प्यारों की पजीराई नहीं जाती, दलील इससे हो पढ़कर क्या शहीदों की तहारत पर, कि मैयत दफन की जाती है नहलाई नहीं जाती, कहा बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे, सकीना तक ये मशके आब ले जाई नहीं जाती, कहा शब्बीर ने अब्बास तुम मुझको सहा दो कि तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती, हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से, ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती, ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती, ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती। और कहने लगे वो जिन चेहरों को जीनत गाज़ाए खाके नजफ बख्शे, दमे आखिर भी उन चेहरों की जेबाई नहीं जाती, कोई भी दौर हो तू ही इमामे गम ठहरता है, गमे शब्बीर तेरी शाने यकताई नहीं जाती, उदासी छा रही है रूह पर शामे गरीबा की, उदासी छा रही है रूह पर शामे गरीबा की, तबीयत है कि पहलाने से पहलाई नहीं जाती, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, मगर हुसैन इब्ने अली का काफिला लुट चुका है, खानदान अहले बैत ताराज हो गए हैं बज़ाहिर, यजीदियों ने इमाम अर्श मकाम समेत तमाम वफादारों के सर काट के कबीले के हिसाब से बांट लिए हैं, हुसैन इब्ने अली का काफिला
अब फकत एक जवान चंद बच्चों और चंद औरतों पर है। क्या गुजरी होगी उनके दिलों पर कि सुबह जिनके खेमे भरे थे अभी उस वक्त उनका खेमा खाली हो गया। आप पूछिए इन उलमा से, आप अपने घर की भी जानते हैं, आपके घर में चार दिन के लिए बेटियां या बहनें आ जाएं तो जब वो जाती हैं ना तो हम एक दूसरे से, बेटा अपनी माँ से कहता है, भाई अपनी बहन से कहता, उस बहन के जाने पर अपने बाप से कहता है, घर भरा भरा था, देखो ना सब घर से चले गए, घर खाली खाली हो। लेकिन फिर आदमी तसल्ली करता है कि वो अपने घर ही तो गए, ज़ैनब का खेमा तो खाली हो गया कि वापस भरेगा नहीं। इमाम अर्श मकाम की शहादत क्या हुई, सूरज ग्रहण लग गया। इमाम अर्श मकाम की शहादत क्या हुई, सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया शर्म की वजह से कि आज अली के घर का सूरज छुप गया है। हजरत मौला हुसैन अला जद्दी व अलैहि सलाम के खेमे में यजीदी घुस गए। सैयदा सकीना, ऐसे लुटेरे थे यजीदी, सैयदा सकीना के कानों की बाली, हजरत इमाम हुसैन की बेटी हैं सकीना, जब मौला हुसैन जा रहे थे मैदान में तो कहती थी, अब्बा आपके सीने पर सर रखकर बचपन में सोई हूँ, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मैं किसको बाबा कहकर पुकारूंगा पुकारूंगी। सरकार ज़ैनब के हाथ में हाथ देकर मौला हुसैन ने कहा था, ज़ैनब तेरी बहुत सी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि आज के बाद मेरी जगह सकीना के दिल को सुकून तुझने देना है, तुमने देना है। हजरत सकीना पाक हैं, इमाम हुसैन की सगी बेटी, मौला अली की सगी पोती हैं। सरकार सुकैना लफ्ज है, सकीना उर्फ आम में मशहूर है। सरकार सकीना के पास यजीदी आए, लुटेरे थे, लूटने के लिए आए, कान में बाली थी, छीना इतनी जोर से खींचा कि कान लहू लुहान हो गया। बिनते हुसैन ने फरमाया कि सब तो लूट लिया है, मांगते तो बाली भी दे देते, कान काटने की क्या जरूरत थी। इतना जुमला निकला ना जिसके जुमलों पर नवासे रसूल अपने फैसलों को बदल लेते थे। आज उनकी मजलूमियत का हाल यह है कि यजीदी फौज के एक कमीने ने सैयदा ज़ैनब के चेहरे अक्दस पर थप्पड़ मारते हुए कहा, खामोश रहो, तुम्हारा हुसैन कट चुका है। सरकारे ज़ैनब कुबरा बीच में पड़कर उसे बचाते। हमीद बिन मुस्लिम कहता है, लोग खेमे में घुस के आग लगा दिया, खेमे आग लगा दी। सैयदानियों ने अपने पर्दे को नहीं छोड़ा और ज़ैनब पाक ने एक चादर से अपने चेहरे को छुपा कर दूसरे खेमे में मुंतकिल हुई। जिस खेमे में आग लग गई उस खेमे में हुसैन का जानशीन गरीब नवाज का दादा, तमाम हुसैनी सैयदों का दादा मौला ज़ैनुल आबिदीन। हमीद बिन मुस्लिम कहता है, मैंने देखा एक खातून है, 50-55 की उनकी उम्र है, खूबसूरती ऐसी है, ऐसा महसूस होता है कि चांद को किसी कपड़े में छुपाया हुआ है, सूरज को किसी कपड़े में छुपाया हुआ, मगर उस कंडीशन में भी वो जलते हुए खेमे के अंदर जाती बाहर आती, अंदर जाती बाहर आती, अंदर जाती बाहर आती। बाद में देखा गया कि एक जवान को वो घसीटते हुए अपने कंधों पर ऐसे लाती जैसे कोई बोरा आदमी अपनी पीठ पर खींच के लाता है, इस तरह घसीटते हुए लेकर, ज़ैनब तेरी अजमतों को सलाम, जब तक हुसैन की नस्ल रहेगी तेरे एहसान की, एहसान की मरहून मिन्नत, इसलिए कि अगर ज़ैनुल आबिदीन न बचे होते तो ख्वाजा ख्वाजगान का गुंबद न होता, अगर ज़ैनुल आबिदीन न बचे होते तो अशरफ जहांगीर की सुल्तानी ना होती, अगर ज़ैनुल आबिदीन न बचे होते तो नस्ल हुसैन न बची होती, मगर ज़ैनब का एहसान हर हुसैनी सैयद पर कयामत की सुबह तक रहेगा। अगर महदी भी हुसैन की नस्ल से आता है तो वो भी ज़ैनब के कुत्ते को सलाम करेगा कि अगर हजरत इमाम जद्दी आला ज़ैनुल आबिदीन अली अल औसत को न बचाया होता और करबला में जल जाते तो नस्ल हुसैन कहां से चलती। ये सैयदा ज़ैनब पाक है, उन्होंने अपने बूढ़े कंधों पर जवान ज़ैनुल आबिदीन को घसीटते हुए खेमे से बाहर किया कि कहीं सैयदुल आबिदीन को तकलीफ ना पहुंचे। ये हुआ है खेमे वालों के साथ। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने के लिए एक शख्स बढ़ा, लेकिन अल्लाह ने हमीद बिन मुस्लिम के दिल में रहम डाला, उसने कहा जाने दो, बीमार है, इस पर हमला ना करो।
करो। इतने में इब्ने साद आया और उसने कहा सामान लूटा हुआ वापस करो, और जिसने जिसने जो है वो इरादा किया है जैनुल आबिदीन सरकार को कत्ल करने का वो अपने इरादे से बाज आए। जैनब पाक ने इब्ने साद को पर्दे के पीछे से कहा, ओ इब्ने साद, दुनिया तलाश करने के चक्कर में और हुकूमत के लिए तूने मेरे भाई के गर्दन पर खंजर चलते हुए देख लिया, कयामत में अपने बाप को क्या जवाब देगा और मेरे नाना को क्या जवाब देगा? मैं नहीं कहता, मौर्रिख कहता है सरकारे ज़ैनब के लहजे में इतना दर्द था कि दुश्मन के अमीर लश्कर की आंखें डबडबा गई और इब्ने साद ने फौरन चेहरा घुमाकर भागता हुआ नजर आया। ज़ैनब पाक का जवाब जो करबला में नहीं दे पाया, उसके जद्दे आला का जवाब, उसके जद्दे आला को जवाब कोई कैसे दे पाए? मेरे मुस्तफा ने एक मकाम पर फरमाया था, आधे जहन्नमियों को जितना अजाब दिया जाएगा उतना अकेले हुसैन के कातिल को दिया जाएगा। सरकारे ज़ैनब पाक ने टूटे हुए खंजर से इस शामे गरीबा में अपने लाशों की हिफाजत की है। खंजर लेकर खड़ी थी, लाशों पहचानी नहीं जा रही, घोड़े दौड़ गए थे, रिवायतें बहुत सारी हैं मगर आखिरी बात, दौड़ गए थे घोड़े, चेहरे नहीं पहचाने जा रहे। हजरत अब्बास के वजूद अकदस को तो इमाम हुसैन उनकी वसीयत के मुताबिक दूर छोड़ आए थे कि अब्बास कह गए थे मेरी लाश को सकीना देखेगी तो पानी की प्यास पड़ जाएगी, कि चचा पानी लाने गए थे ला नहीं सके, इसलिए मौला हुसैन मेरी वसीयत यह है कि मुझे यही आज भी हजरत गाजी अब्बास का मुकद्दस रोज़ा मौला हुसैन से दूर इसीलिए है क्योंकि उनकी वसीयत थी, उनको सकीना से बड़ा प्यार था। जाने दें, सरकारे सकीना भी हैं, बालियाँ लुट गईं, बाप शहीद हो गया, खेमे खाली हो गए। हजरत अली अकबर को ज़ैनब पाक ने पाला था, उनकी लाश को लिपट लिपट कर ज़ैनब रोती थी। रात की तारीकी छाई तो लाशों की हिफाजत खजानों की तरह ज़ैनब टूटे हुए खंजर को लेकर बैठी थी। अपने भाई मौला हुसैन के कटे फटे लाशे के पास बैठकर हुसैन ने हुसैन के बचपन को याद कर, हजरत मौलाए कायनात के साथ उनके ताल्लुक को याद कर, अचानक कोई आवाज, कदमों की आहट आई। ज़ैनब पाक ने खंजर उठाया, कौन? सब तो लूट गए, आप क्या लेने आए हो? अंधेरा छटा तो देखा कि खातून है, पानी का प्याला लेकर, पानी का प्याला, कबूल कीजिए। सय्यदा ज़ैनब ने पूछा, तुम कौन हो? मैं हूर की बीवी हूँ, यजीदियों से लड़ के लाया, मेरा शौहर आपके लिए शहीद हो गया तो मैं भी उसी के तरीक पर हूँ, यजीदी हमें इनाम दें तो दें लेकिन हम हुसैनी रास्ता छोड़ना नहीं चाहते, हमारी तरफ से पानी पी लीजिए। ज़ैनब पाक ने फरमाया, हमें पानी से नफरत सी हो गई, अब क्या पानी पिए, मेरा असगर प्यास की शिद्दत पे तड़पता चला गया, मेरा अकबर प्यास की शिद्दत पे तड़पता चला गया, मेरा भाई हुसैन की जबान लकड़ी की तरह सख्त हो गई प्यास की वजह से, मेरा भतीजा हसन का बेटा कासिम, गौस पाक का जद्दे आला कासिम, हुसैन का होने वाला दामाद कासिम, सकीना पाक का होने वाला शोहर कासिम, मौला हसन का शहजादा शहीद हो गया, उन्होंने मोहम्मद टूट गए, अब्बास के बाजू कट गए, क्या पानी, ले जाओ अपना पानी, हमें पानी नहीं चाहिए। सरकार ज़ैनब पाक से अर्ज किया हुर की बीवी ने, वापस पलट के जाऊंगी तो यजीदी मेरा मजाक बनाएंगे, इसलिए सय्यदा सकीना के लिए सही, उनकी कमसिनी के लिए सही, चंद कतरे पी लीजिए। हजरत सरकार ज़ैनब ने वो प्याला लिया तो सरकार सकीना के पास लेकर और कहा, सकीना पानी पी। सय्यदा सकीना ने वो प्याला हाथ में लिया ना तो खेमे के बाहर दौड़ लगा थी, कहाँ जा रही हूँ? असकर के पास जाती हूँ, आप ही तो सिखाया करती हैं कि जब कोई कीमती सामान घर में आए और थोड़ा हो तो पहले छोटे बच्चों को दिया जाता है, असकर मुझसे छोटे, मैं असकर को पानी पिला। सरकार ज़ैनब पाक ने कहा, बेटी सकीना, अब असकर को इन पानियों की जरूरत नहीं है, उसे नाना जान का कौसर मिल गया है, तुम पी लो। हजरत सरकारे सकीना रुकी नहीं और जाती रही, पांव कहीं लड़ा और वो पानी करबला की रेत पर गिर गया, फिर
फिर सकीना को पानी मैसर नहीं हुआ। तो इसीलिए शायर ने कहा, प्यासे ने खुश्क होंठ न रखे फरात पर, बड़े से बड़ा पहलवान, बड़े से बड़ा बादशाह, बड़े से बड़ा ताकतवर पानी के सामने हार जाता है और पानी पिए बगैर नहीं रहता। वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी कंट्री का हो, मगर इस नील गगन के नीचे एक शहजादा ऐसा भी है जिसने पानी को हराया है। हाँ, प्यासे ने खुश्क होंठ न रखे फुरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। न जाने कैसे शामे गरीबा गुजरी, वो रात कैसे गुजरी, यजीदी इमाम हुसैन की काफिले की ऊँट को काट कर उसका गोश्त बनाया उन्होंने। सारा गोश्त अंदराइन के फल की तरह कड़वा हो गया, कुछ खा नहीं पाए। सरकारे इमाम हुसैन के दुश्मन खुशी मना रहे थे और इधर काफिला लुटा हुआ था, यही शाम गरीबा थी। हजरत मौला हुसैन के दुश्मनों ने सोचा कि हमने हुसैन को काट दिया और जीत गए। हालांकि तारीख आज तक कह रही है, तुम खा के भी हार गए, पी के भी हार गए, तुम जीत के भी हार गए, बल्कि जीत का लफ्ज तुम्हारे लिए कहना भी मुनासिब नहीं है। हुसैन, तेरे इंतकाम की हद ही नहीं, लफ्ज यजीद गाली से बदतर बना दिया, लफ्ज यजीद गाली से बदतर बना दिया। लोग सोच रहे थे कि हम जीते, मगर सदियों बाद भी आज हर मुसलमान कहता है, जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर, आले बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतरे आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। हाँ, प्यासा कहूं हुसैन को, इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को, लम्से लबे हुसैन को, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। प्यासा कहो हुसैन को, इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। आज तक जमाना कहता है, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। खड़े हो जाए सलाम।